राजधानी दिल्ली की सांसें एक बार फिर प्रदूषण की वजह से फूलने लगी हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सब कमेटी ने दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर ग्रैप 3 को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार यानी 22 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने के बाद ये निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इसका सबसे अधिक असर डीजल की BS3 और पेट्रोल की BS4 गाड़ियों पर पड़ेगा। ये अब प्रतिबंधित रहेगी। आपको बता दें, राजधानी में प्रदूषण रोकथाम के लिए नए कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी रहेगी, क्योंकि इसकी वजह से सबसे अधिक धूल वातावरण में घुलती है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। CAQM के अनुसार अब कमेटी ने शुक्रवार को रिक्यू मीटिंग की। दिल्ली में शुक्रवार को AQI सुबह 10 बजे 397 था, ये 12 बजे बढ़कर 398 हुआ और 1 बजे ये 400 के स्तर पर पहुंच गया। ये सामान्य से 8 गुना अधिक है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। इसलिए ग्रैप 3 को लागू करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें, नए प्रतिबंधों के मुताबिक केवल निजी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई है। इसमें रेलवे सर्विस और रेलवे स्टेशन, मेट्रो सर्विस और स्टेशन, ISBT, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट, अस्पताल और हेल्थ केयर, लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन आदि के अलावा सफाई जैसे STP पानी सप्लाई से जुड़े प्रोजेक्ट को छूट दी गई है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, हवा में धूल कणों की मात्रा ना बढ़े, इसके लिए ऐसे कामों पर रोक लगा दी गई है जिससे धूल उड़ सकती है। इनमें खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग, कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग वर्क, तोड़फोड़, प्रोजेक्ट साइट के बाहर निर्माण सामग्री की लोडिंग, अनलोडिंग, कच्चे सामान की मैनुअल या कन्वेयर बेल्ट से ट्रांसफर करने, कच्ची सड़कों पर गाड़ियों के चलने, बैचिंग प्लांट, सीवर वाटर लाइन के लिए ओपन ट्रेंच से खुदाई, टाइल काटने, स्टोन या फ्लोरिंग के अन्य सामान को काटने, वाटर प्रूफिंग, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग के कामों पर रोक लगाई गई है। इनकी वजह से धूल उड़ती है। प्रदूषण को बढ़ाने वाले अन्य कारकों पर भी नजर रखने को कहा गया है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।